बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालों, मेरे देखने वाले सारे भैनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, आबाद रखे, थोड़े सारे दुख तकलीफा नू दूर करे, सदा हसते रहो तो मुस्कुराते रहो। इस दुआ दे नाल अज दी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने तो पहले साड़ी एक रिक्वेस्ट है, अगर तू साड़े चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो इन सबसक्राइब कर लो, बैल के बटन भी जरूर दबायो ताकि साड़ी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू बर वक्त मिलता रहे। तो अज दी वीडियो शुरू करते हैं। कुछ इस तरह दी है कि असीं आए सी अम्मी जी हुणां कोल, ते अबू जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब सी। अबू जी अखां का मसला वा, तो अबू जी की अख काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है, तो नज़र भी नहीं आता, तो बंद हो गई हुई है, तो सोजिश भी काफ़ी हुई हुई है। इसलिए अबू जी देख आए से इतने हॉस्पिटल, दो तीनों दिखाया सगा अखा वाले डॉक्टर, तो अबू जी ने कोई फर्क नहीं पिया है। हम सुबह फिर ज़्यादा हो गए सके, तो फिर मुल्तान लै गए, उत्थे टाइम लिया सी डॉक्टर स्पैशलिस्ट, उत्थे लै के गए भाई हम अहमद और चाचू जी भाई तकीर नाल गए आ, कार ते लै के गए आ। हुण अबू जी नूं उत्थे चैकअप करवाउणगे, होर वी की मसला की गल आ, की अख नूं होया वा, दर्द बहुत ज़्यादा हुंदी आ। अगर थोड़ी बहुत दवाई खाते हैं तो कोई 10-15 मिनट फर्क पैदा नहीं, तो दोबारा फिर उस तरह शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम लै गए मुल्तान, अल्लाह ताला खैर करे। मेरे देखने वाले जिन्हें भी भैन भाई है मेरे अबू वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा दुआ करो ताकि अल्लाह ताला उन्होंने सेहत और तंदुरुस्ती दे, तो जल्द जल्द उन्हों की अख ठीक हो जाए, कोई ऐसा सीरियस मसला ना हो। असी काफ़ी सारे परेशान हाँ, बहुत टेंशन है कि अल्लाह अबू जी उन्होंने जल्द तो जल्द ठीक कर दे। तो बच्चे भूख लगी हुई है, मेरे बच्चे भी आ, और सादिया दा यूसुफ भी आ, हमजा भाई। तो दोपहर का टाइम हो गया वा, कहते सानू कोई चीज़ पकाओ, तो सानू भूख लगी हुई है। अम्मी जी बाहर लगे हुए आ काम करन, ताकि अम्मी जी कल्ले अहमद भाई भी चले गए आ, नहीं तो अहमद भाई हमजा भाई काम करवा लेंगे। फिर हमजा और जवेद बाजार फतेहपुर गए आ कोई समान लैना सी, असी घर आ, तो मैं क्या चलो मैं बच्चों कोई चीज़ बना दें। तो अम्मी जी कहें भी चलो बच्चों तुसी ना बिरयानी बना दो, तो मैं हूँ लगी हाँ बिरयानी बना। जो भी सीन होया मैं अपने देखने वाले भैन भाइयों नाल शेयर करूँगी। यह सारा समान मैं तैयार कर लिया वा, प्याज हरिया मिर्चा और टमाटर, हूँ चलते हैं चूल्हे की तरफ, तो चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे च अग मैं जला लिया, तो तसला भी उपर रख लिया वा, घी पा लिया वा, घी हो गया गर्म, प्याज पा लें, प्याज हल्के ब्राउन हो गए, टमाटर मिर्चा पा लें, उपरों कवर कर दें ताकि प्याज का कलर भी निकल आएगा। कुछ भी नहीं अम्मी जी। अच्छा अम्मी जी ठीक है। प्याज का कलर निकलिया, टमाटर मिर्चा अच्छी तरह फ्राई कर दी, टमाटर अच्छी तरह गल गया, गोशे दी छोटी छोटी बूटियां कर ली ताकि नमक मिर्च सही मिक्स हो जाता वा, गोश्त पा लें, गोश्त भी अच्छी तरह फ्राई कर दें, मिक्स कर लें। एक चमचे की मोटी है, जलन लग जाता, चमचा गर्म हो जाता है, चिकन फ्राई हो रहा वा। यह कुछ मसाले आ, सफेद जीरा, छोटी इलायची और यह काली मिर्चा, यह सारी चीज़ा नाल ही मैं पा दूँगी। फ्राई हो जाए फिर मैं दूसरे मसाले पाऊँगी। गोश्त फ्राई हो गया, और मैं पा लैनी हूँ नमक और लाल मिर्चा का पाउडर। हमने बेटा तुम रहन दो, थोड़े उपर पै गए, हमने बेटी बेटी चमचा ला रही है, थोड़ा जहाँ पानी थोड़ा
हमने बेटा तुसी नहा लंदे लाइट ते आ गई है। अच्छा नहा लो ना। अच्छा तुहानू कदों छुट्टियां हो रही ईद दियां? हैं कोई पता नहीं है तुहानू? अच्छा छुट्टियां हो जाएंगी ना फिर पापा आएंगे ना फिर तेनू ले जाएंगे। ठीक है सही है। हाँ जी चलो नहा लो फिर इन्नी गर्मी है। चावल बस बन दिया फिर खा लीजिए। ठीक है हाँ जी मसाले जोड़े पे थे उन्होंने भी अच्छी तरह बनाई होगी है तो पानी पा लेने हैं। पानी में अच्छी तरह उबाल दें उसके बाद फिर चावल पाऊंगे। पानी कम होर लैके आनी है होर पानी पानी पकना शुरू हो गया है। हम मैं पा लेनी हूँ चावल। चावल पानी च भिगो के रखे हुए सी इन्हें तो मैं पानी कढ़ लैनी हूँ तो फिर पानी आसानी नाल फिर पै जाने। चावल मैं पा लिया चावलों में चमचे नाल मिक्स कर दी हूँ। पानी खुशक हो जाएगा उसके बाद मैं दम लगा दूंगी। गर्मियों में तो अग तो चीज को बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा सेक लगता वा। सर्दियों में तो आसानी नाल ही पक जाती है नाले बंदा अग सेक लैंदा तो नाले चीज़ पका लैंदा। चलो अच्छा कोई नहीं ये सारे बर्तन मैं क्लोज कर दूँ। इन्होंने धो लैनी लग जाती कुछ धोनी है चावलों च पानी खुशक हो गया सी ते मैं दम लगाता वा अग नीचे खत्म करती है सिर्फ खोले पे है। चावलों मैं दम दिता हुआ सी मतलब चावल खोलने लगी हैं। यूसुफ आया बाहरों खेलता यूसुफ काला पिया हुआ भी आंटी चावल दो और ले आओ प्लेट दिखाओ मैं चेक करके देखो। चावल किने खाने हैं? मैं चल तुसी खा लियो। की कट दी है? बोती बोती खानी है। चलो खा लियो बोती। किनिया बोतियां खानिया है? दो खानिया एक खानी है। चलो खा लियो। हाँ जी अम्मी जी नवा फूल मिर्चा कुट लिया रायता बन रहा वा। इधर मैं खीरे कट रही हूँ प्याज कटे सलाद बन तो चटनी हो बस केड़ी चीज तोलना लगा हम सा बाजरा तोलना। बाजरा हाँ जी कोई लैन आया हम पठिया वास्ते हाँ जी उनका प्लॉट केड़ा बाजरा है काला बाजरा नहीं भाई ये देसी बाजरा है। मम्मी ने काला बाजरा शहरों में जाके बीजा गुजरन बीजा सी। अच्छा हाँ जो वो तो बी भी काला है। हाँ जी वो काले का की मकसद है भाई वो ना दिना ची आ जाना थोड़े दिना देवी ची। अच्छा किलो वाला कप घट्ट
किलो वाला तो नहीं पर अलग दाल से खाओ ना भाई जी सही है ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਛਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਬਰੀਕ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜਰਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਿਲੋ ਬਾਜਰਾ 3 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੋਲ ਲੈਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੋਲ ਲੈ 5 ਕਿਲੋ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਆਦਾ ਨਾ